असम का डिमाहसा जिला हाल ही में भारी तबाही झेल चुका है। एक तरफ जहां ये इलाका पर्यटन के क्षेत्र में काफी अहम है, वहीं व्यवसायिक तौर पर ये एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस बीच सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही। जिले के नयापुर और दियुंग के निवासियों की नयनपुर सड़क के खराब निर्माण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान सरकारी मानदंडों और निर्देशों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस सड़क पर नाले और पुलिया भी सड़क की पूरी चौड़ाई को कवर नहीं करती है, जिसके कारण बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर इसे सुचारू बनाए। तो डिमा हसाव से आपको दिखा रही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां सड़क की जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं। यहां डिमा हसाव में आपको बता दें कि हाल ही में भारी तबाही हुई थी। एक तरफ ये इलाका पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही अहम है, वहीं व्यवसायिक तौर पर भी ये प्रमुख है। लेकिन इसकी सड़कों की हालत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से सड़कों की जर्जर स्थिति है और इसके कारण लोगों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिले के नयापुर और दियुंग के निवासियों ने नयापुर सड़क के खराब निर्माण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सरकारी मानदंडों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस सड़क पर नाले और पुलिया भी सड़क की पूरी चौड़ाई को कवर नहीं करती है, जिसके कारण बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर इसे सुचारू बनाए। रास्ता में देना चाहिए 2 इंची 2.5 इंची मेटल, इसका बड़ा मय होने से फाक फाक हो जाएगा। हाँ, फाक हो जाएगा। इसके बारे में कोई माटी में नहीं पकड़ेगा, फिर दो बार तीन बार आपदन करने से ये मेटल उड़ जाता है। हाँ, तो रास्ता बनाना है नहीं बनाना जब कोई फर्क नहीं होता ना। हाँ, बनाना तो अच्छा अच्छा बनाना है, रिफरिंग बोलने से भी आदमी लोग देख चुका हुआ है कितना अच्छा अच्छा बना हुआ है। हाँ, ये लोग देखा हुआ है, ये देखो ये तो 4 इंची मेटल है, और देखो कहीं जगह में देखो कोई ऊंचा नीचा है, ये कॉन्ट्रेक्टर का लॉस है ना, कोई जगाटा है कोई ईचा है, रास्ता बनाने कोई तरीके ही मालूम नहीं है। हाँ, ये लोग तो ये लोग कॉन्ट्रेक्टर से हम लोग ही जैसे बना नहीं सकते। ये कल बार देखो कहाँ में गाटा है, कहाँ में चटा है, कहाँ में बुरा है, कोई जगह में माटी दब जाता है, बनाना नहीं बनाना। और ब्रिज में कल माटी टूटता है ब्रिज में। हाँ, रास्ता नहीं बनाता है, गाड़ी फंस जाता है। हाँ, अच्छा से नहीं बनाता है, माटी बरसात गिरने से सब चला जाता है। ड्रेन नहीं बनाया, साइड बम बने हैं, अगर यहाँ में गाड़ी आएगा तो साइड बम बड़ा होना चाहिए, साइड बम तो नहीं है। हाँ, रास्ता कौन से बनाया, मेन हो गया ये जो रास्ता बनाना है, ये रास्ता बनाने वाला बड़ा वाला साइड बम होना चाहिए, बॉक्स फिटिंग करके रास्ता बनाना है। कैसा देख रहा है ये रास्ता जो बन रहा है? ये रास्ता तो हमारा देखने से उतना अच्छा नहीं बना है, और कलवर भी छोटा छोटा दिया है, कम से कम कलवर तो बड़ा करके बनाने से, और इस जगह में तो पानी भी डूब जाता है। अच्छा। बारिश के सीजन में इस साल दो बार पानी डूबा है पूरा, इतना तक कोई गाड़ी भी आने जाने नहीं सकता, इसलिए साइड में ड्रेन भी नहीं दिया, और कुछ कुछ हम लोग गाँव का आदमी लोग कुछ बोलने से कंप्लेंट देने से तो वो लोग उतना हम लोग का बात तो नहीं सुनता है, ख्याल नहीं देता है हम लोग को कुछ। We'll be right back.